अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि तालीम बेहतरीन इंतकाम है। हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं और जुल्मों की बहुत ज़्यादा शक्लें हैं। सास बहू पे जुल्म कर रही है, बहू सास पे जुल्म कर रही है, भाई बहन पे कर रहा है, बहन भाइयों पे कर रही है, भाई भाई आपस में कर रहे हैं, औलाद माँ बाप पे कर रही है, माँ बाप औलाद के ऊपर कर रही है, और आप इस टॉक्सिक फैमिली के अंदर कभी कभी फंस जाते हैं और आपको उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं देता कि आप कैसे निकलें। किसी के ऊपर वक्त का जबर है, किसी के ऊपर ख़ानदान का जबर है, किसी के ऊपर शोहर का बेटों का जबर है, किसी के ऊपर हुकूमत का इदारों का जबर है, वो करें क्या। इन तमाम लोगों से बदला लेने का सबसे आसान तरीका तालीम है। आप इल्म हासिल करें और पढ़ते रहें, कोई शोबा चूज़ कर लें और आप ये सोचें कि उस शोबे के अंदर दुनिया के बेस्ट बंदों में से आपको एक बनना है, शुरू के टॉप 10 में, टॉप 100 के अंदर आना है। ये शुरू की जो जगह होती है ना ऊपर वाली, ये हमेशा खाली पड़ी हुई रहती है। नीचे बहुत सारे लोग होते हैं पहाड़ी में, बीच में थोड़े बहुत होते हैं, ऊपर हमेशा खाली होता है, ऊपर कोई नहीं होता और लोगों की तलाश हमेशा से जारी रहती है और वो लोग नहीं मिलते। अपने आप को इस काबिल करें कि लोग आपको घर से उठा के ले जाएं कि भाई मेरा काम कर दीजिए। आप मना भी करते रहें तो लोग बोले नहीं जी आप ही में चाहिए, आपके अलावा में कोई नहीं चाहिए। ऐसा करने से आप इन तमाम चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी मसला है ना, आपको आपकी सास तंग करती है, अपने शोर के साथ हंसी खुशी रहना चाहती हैं, लेकिन नंद ने, भावज ने, जेठानियों ने, सास ने आपकी ज़िंदगी हराम की हुई है। तो अब इसका क्या तरीका है बाहर निकलने का? अफोर्डेबिलिटी है ना। अगर आपके शोहर के पास आपके इतने पैसे हों कि आप चार घर ले सकें, एक घर में आप रहें, एक में सास ससुर को रखें, एक में किसी और को रखें, तो ज़रा बहुत मसले ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके पास चार गाड़ियाँ हो जाएं या दो गाड़ियाँ हो जाएं, आपके पास चार पाँच नौकर हों कि जो सारे काम आप कर रही हैं वो आपके बदले कोई और कर ले, तो मसला ख़त्म। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आएगा काम करने से, स्टार्टअप से, बिज़नेस से, जॉब करने से, कंसल्टिंग करने से। इस काबिल कैसे बनेंगे कि वो जॉब, बिज़नेस, स्टार्टअप कर सकें जिससे आप पैसा कमा सकें? वो आएगा तालीम से। तो पढ़ते रहिए, और आजकल के दौर में तालीम बहुत आसान हो गई है। पेन फॉस्टर यूनिवर्सिटी में जाके दुनिया में आप कहीं पर भी हों, हाई स्कूल अमेरिका से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल में चले जाएँ, वहाँ से आप बैचलर्स कर सकते हैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये कोर्सेरा, मूक्स का जो आजकल काम है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, हमारे दौर में तो नहीं था। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम सखर पेट्रोमिन में पढ़ रहे थे तो टर्बो पास्कल का नया सब्जेक्ट आया और पूरे सखर में उसकी किताब अवेलेबल नहीं थी। तो मैं, हफ्ता एतवार छुट्टी होती थी तो मैं जुम्मे की शाम को सखर एक्सप्रेस में बैठ के गया कराची, वहाँ जो उर्दू बाजार है जामा कलात के पीछे, वहाँ पर गया। वो खुला नहीं था, सुबह पहुँचा तो 11 बजे खुलेगा, मैं वहाँ बाहर बैठा रहा। फिर जो फेसबुक वाले आए, उनसे किताब ली, उस किताब की फोटो कापी कराई, फोटो कापी वाले ने बोला कि जी इतनी बड़ी किताब मुझसे फोटो कापी नहीं होती। मैंने फोटो कापी में काम किया था, मैं कहा भाई मैं खुद ही कर लेता हूँ। कह रहा अभी मेरे ग्राहक आ रहे हैं, मैं कहा जी लंच ब्रेक में मैं कर लूँगा। लंच ब्रेक में उसने शटर गिरा दिया, मैंने किताब की फोटो कापी कराई, उसको बाइंडिंग कराई, ओरिजिनल किताब वापस की, किताब वाले को जो पैसे देने थे कि उसने मुझे किताब लेंड की थी कुछ अर्से के लिए वो दी, और वापसी तक पहुँचने तक, सखर पहुँचने तक मैं किताब तकरीबन पूरी पढ़ चुका था। अब आजकल ये किताबें तो आप जेंसिस की लाइब्रेरी पे चले जाएँ, इंटरनेट पे चले जाएँ, पीडीएफ आपको हर जगह से मिल जाती है, आप ख़रीद लें, तो आप किंडल के ऊपर पढ़ लें, आप वैसे किताब अपनी ऑर्डर कर लें, तो बहुत ज़्यादा आप चीज़ें आसान हो गई हैं जो हमारे ज़माने में नहीं थी। तो पढ़ अगर आप नहीं रहे तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपके पास सारी दुनिया खुली हुई है। लर्निंग जो होती है ना वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस तरह आपको अपने आप की हाइजीन का ख्याल रखना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, अपने आप को खिलाना पिलाना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, कोई शख्स मुंह में आके आपके प्रोटीन ही डालेगा, बिल्कुल इसी तरीके से लर्निंग आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। जिस तरह आप सांस खुद लेते हैं ना, इस तरह सीखना भी खुद है, इस तरह इल्म भी खुद हासिल करना है। बड़ा मुश्किल है कि मोमिन हो बंदा और उससे इल्म का सुदूर ना हो रहा हो, वो इल्म दे ना रहा हो या इल्म ले ना रहा हो। तो पढ़ाई के अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं है, आप सर झुका के पढ़ते रहें, स्किल हासिल करते रहें, आप इन तमाम तर जुल्मों से ज़रूर बाहर निकल आएंगे। आपसे एक काम की बात अर्ज़ करूं, अल्लाह सुबहाना व ताला बेखबर नहीं है, बेबस भी नहीं है और बेरहम भी नहीं है। जब वो बेबस नहीं है, बेरहम नहीं है, बेखबर नहीं है, आपके हालात को देख रहा है, आपकी मुश्किल को, इस्तराब को समझ रहा है, तो आपकी मदद क्यों नहीं करेगा? वो कहता है मेरे पास आओ, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, और मैं मांगने से नाराज़ भी नहीं होता। हम लोग मांगने में कोताही करते हैं। वो शायर कहता है,
हर हद से मावरा थी सखावत में उसकी ज़ात, हम आखिरी सवाल से आगे ना जा सके। तो जो इल्म है इसके ऊपर लग जाइए। इल्म मिलता है तकवा से, जितने आप नेक होंगे उतना इल्म आपको समझ में आने लगेगा। इंटरनेट से, किताबें पढ़ने से आपको मालूमात मिलती हैं, उस मालूमात को इल्म में कन्वर्ट करने की वाहिद कुंजी तकवा है। लेकिन बहरहाल मालूमात भी बुरी नहीं है, होनी चाहिए। किताबें पढ़ें, मैसिव ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज कीजिए, ट्रेनिंग्स हासिल करें, यूट्यूब से सीखिए, पूरी दुनिया आपके पास खुली हुई है। ये तालीम आपका वाहिद इंतकाम है जिस घुटन, जिस हबसदा माहौल में आप रह रहे हैं उससे निकलने का, भले वो घर हो, मोहल्ला हो, शहर हो, मुल्क हो, कैसी भी ज़िंदगी है उसको आप बेहतर बना सकते हैं। पूरी उम्मीद है अगर आपकी ज़िंदगी में इल्म हासिल करने की तलब और दुआ शामिल हो जाए। दुआ बड़ा मुश्किल टॉपिक है, फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।